फ्रेंड्स, आज के अद्वितीय ज्ञान में आपके लाए हैं एक और ज्ञान जो है रिपब्लिक डे के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और जब ये बना था इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन अब तक इसके अंदर 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और आज की डेट में इसके अंदर 470 आर्टिकल्स हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ दो ओरिजिनल कॉपीज हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। दोनों को पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में एक हीलियम चेंबर में रखा गया है और ये प्रिंटेड या टाइप नहीं है। दीज आर हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजदा और इनका हर एक पेज यूनिकली डिजाइन किया गया है शांति निकेतन के आर्टिस्ट से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग कमिटी में 389 मेंबर्स थे जिसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसलिए उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे, ऑलमोस्ट 3 साल। इस अमेजिंग कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस के ऊपर कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि 1955 को जब राजपथ में पहली बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन मनाए गए थे तब चीफ गेस्ट थे एक पाकिस्तानी गवर्नर। जब सारे सेलिब्रेशंस के पहले इंडियन नेशनल एंथम बजाया जाता है उसको 21 कैनन्स की सलामी दी जाती है। वो 21 कैनन्स नहीं, 7 कैनन्स हैं जो 3 बार फायर करती हैं और पहली गोली हमेशा शुरू में चलती है और 52 सेकंड के बाद आखिरी गोली चलती है। हमारी रिपब्लिक डे परेड इतनी ग्रैंड है कि जो मिलिट्री ऑफिसर्स इसमें हिस्सा लेते हैं वो 600 घंटे से ज़्यादा इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं और वो हर दिन 12 किलोमीटर परेड करते हैं जबकि उनको एक्चुअल में सिर्फ 9 किलोमीटर परेड करना होता है। राजपथ एंटर करने से पहले हर एक मिलिट्री ऑफिसर को 4 इन्वेस्टिगेशन के स्टेजेस से जाना पड़ता है, ये चेक करने के लिए कि उनके गन में असली बुलेट तो नहीं है और वो अपने कंट्रोल्ड गन के अलावा और कोई खतरनाक वेपन्स तो अंदर नहीं ले जा रहे हैं। और राजपथ का ये जो सेलिब्रेशन है ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, 3 दिन तक चलता है। जब इंडियन आर्मी ऑफिसर्स परेड करते हैं उनके हाथ में INA SAS राइफल होती है, लेकिन जब स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स परेड करते हैं उनके हाथ में टवार राइफल होती है। टवार राइफल एक इम्पोर्टेड राइफल है और INA SAS राइफल इंडिया में बनाई जाती है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के आखिर में जो भी ग्रुप बेस्ट परेड करता है उसे बेस्ट परेड ग्रुप अवार्ड मिलता है और ब्रेवरी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं जैसे कि परमवीर चक्र और अशोक चक्र। और ऐसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस खत्म होते हैं। मेरी तरफ से आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे हों। जय हिंद।